हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आप मेरे सामने देख रहे हो न्यू सुजुकी जिक्सर एसएफ 2024 मॉडल लेटेस्ट जनरेशन। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि भाई फेस्टिवल सीजन जो है वो ऑलरेडी आ चुका है मार्केट के अंदर, और मैं कहूँ कि भाई फेस्टिवल सीजन जो है वो स्टार्ट हो गया है। स्पेशली जो है भाई, सबसे पहले जो है मार्केट के अंदर अगर कोई कंपनी फेस्टिवल सीजन ऑफर्स वगैरह लेके आई है, तो मैं कहूंगा भाई वो सुजुकी लेके आई है आप लोगों के लिए। अगर आप इस फेस्टिवल सीजन अपने घर कोई नई बाइक या स्कूटर लाना चाह रहे हैं और आपको जो है वो अभी चाहिए, फेस्टिवल सीजन का आप वेट नहीं कर सकते, लेकिन आपको उस पर डिस्काउंट और ऑफर भी चाहिए, तो दोस्तों आप जो है भाई सुजुकी की तरफ अपना रुख कर सकते हो, क्योंकि सुजुकी के जितने भी प्रोडक्ट्स है इन पे जो है आपको यहाँ पे ऑफर्स वगैरह जो है वो अच्छे खासे ऑफर्स वगैरह जो आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये बाइक आपको जो है क्यों लेनी चाहिए और इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, क्या इसके इंजन स्पेक्स है और कंपटीशन से ये किस तरीके से बेहतर है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी, इसको एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं भाई। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बाइक है वो अपने कंपटीशन से किस टाइप से जो है यहाँ पे डिफरेंट है, अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई आमतौर पे जो इस बाइक के अंदर आपको इंजन देखने को मिलता है वो भाई आपका 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन जो आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। और लोग बाग जो है इस बाइक को कंपेयर करते हैं मार्केट में आने वाले जो इसका कंपटीशन है, जैसे आपका हो गया भाई MT-15, यामा की एवजेड हो गई, टीवीएस की अपाचे हो गई और बजाज की कल्चर वगैरह से जो है इस बाइक का कंपटीशन मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब ये बाइक के अंदर दोस्तों आपको क्या है कि जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये बाइक आती है, आप लोगों को हो सकता है भाई थोड़ी सी ये बाइक कॉस्टली भी लगती हो, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको खास चीज क्या देखने को मिलती है, जो इसका जो फेयरिंग वगैरह जो है ना, इसके अंदर आपको जो है प्रॉपर स्पोर्टी लुक जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है बाइक के अंदर। और ये जो आप इसके अंदर न्यू कलर थीम देख पा रहे हो मेरे सामने, जो कि आपका रेड और ग्रे के साथ में आता है। और दोस्तों, इस बाइक के अंदर जो खास बात क्या है कि ये आप इसके मेरे सामने इस बाइक का टॉप मॉडल देख रहे हो, जिसके अंदर आपको सारे राइड कनेक्ट वाले फीचर यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे जो फीचर जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं वो भी आपको जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और मेन बात तो क्या है भाई, फीचर्स वगैरह तो सारी चीजें हैं इसके अंदर, साथ ही में इसकी जो यूएसपी है वो ये है कि इसके अंदर आपको सुजुकी की एसईपी टेक्नोलॉजी जो है देखने को मिलती है, यानी कि सुजुकी इको परफॉर्मेंस आपको इस बाइक के इंजन के अंदर देखने को मिलता है। और इससे जो है आपकी बाइक का जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बेहतरीन निकल के आती है। माइलेज की बात कर लूँ तो इसकी जो है माइलेज भी जो है कंपनी ने काफी बेहतरीन बताई है, करीब 50 से जो है भाई 55 की जो है इसकी माइलेज कंपनी ने क्लेम करी है, क्योंकि इसके अंदर सुजुकी ने अपना एसईपी जो टेक्नोलॉजी डाल रखी है, उस कारण से जो है इसकी कंपनी माइलेज क्लेम करती है भाई 55 की। बाकी दोस्तों, माइलेज डिपेंड भी करती है आपके राइडिंग स्टाइल पे भी, आपके चलाने के तरीके पे भी डिपेंड करती है माइलेज कि आप बाइक को किस तरीके से चलाते हैं। बाकी तो बाइक के अंदर आपको कोई दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, आपको इस बजट में मेरे ख्याल से इस टाइप की फेयरिंग वाली बाइक जो है और किसी कंपनी की आपको देखने को मिलेगी भी नहीं। और यहाँ पे इसके अंदर आपको क्या क्या चीज देखने को मिल जाती है, एक तो आपको यहाँ पे जो है वाइजर देखने को मिलता है, क्लियर वाइजर आता है इस बाइक के अंदर फ्रंट में, जो भी मैं कहूंगा यार थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बड़ा कर देना चाहिए कंपनी को, जिस हिसाब से इसकी लुक है उस हिसाब से ये वाइजर इस पे सूट नहीं करता। और काफी लोगों का प्लान भी जो है मेरे ख्याल से इसी कारण ड्रॉप होता है कि इसका वाइजर काफी छोटा है, वो बाइक की जो लुक है वो प्रॉपर बन नहीं पाती, तो उस कारण से भी जो है लोग कई बार इस बाइक को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन अगर आपको वो चीज मैटर नहीं करती तो ओवरऑल बाइक बहुत अच्छी है। इसके अंदर आपको फीचर्स में यहाँ पे LED लाइट देखने को मिलती है बाई फंक्शनल, इसके अंदर मैं आपको ऑन भी करके दिखा देता हूं, तो आप यहां से चेक कर सकते हो LED इसके अंदर आपको लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। इंडिकेटर आपको जो है भाई कंपटीशन में कुछ कुछ बाइकों के अंदर LED देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडिकेटर की मैं बात करूँ इसके अंदर नॉर्मली आते हैं हेलोजन इंडिकेटर आते हैं, जो कि आपके फ्लेक्सीबल है भाई, ये प्लस पॉइंट है कि ये फ्लेक्सीबल है, और नहीं तो कईयों में तो भाई फिक्स्ड आती हैं, जो कि एक भाई आपका नेगेटिव पॉइंट रहता है, लेकिन इसके अंदर आपको जो आपके फ्लेक्सिबल इंडिकेटर आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं।
और अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ इस बाइक के फ्रंट की तरफ। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का सेटअप देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको यहाँ पे 265 mm की डिस्क प्लेट देखने को मिलती है, जिसमें आपको ट्विन पिस्टन वाइब्रे कंपनी का कैलिपर देखने को मिलता है। इस बाइक के अंदर दोस्तों आपको ABS देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं इसके फ्रंट से टायर साइज की बात करूँ तो आप यहाँ देख पाओगे, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, आपको फ्रंट में भाई 180-17 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है अलॉय व्हील के साथ में। और बाइक की फेयरिंग यहाँ पे कुछ इस टाइप से रहने वाली है, ठीक है। और अगर मैं इस बाइक के तेल लुक की तरफ आपको लेके चलूं तो यहाँ पे आपको जो है भाई मोनोटाइप सस्पेंशन देखने को मिलता है बाइक के अंदर में। और जो इसकी रेयर से डिस्क है वो आपको यहाँ पे 220 mm की देखने को मिलेगी, जिसमें आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट इसका जो है काफी ज्यादा स्टाइलिश बनाया है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है डुअल मफलर देखने को मिल जाएंगे और काफी ज्यादा जो है इसकी स्पोर्टी साउंड जो है यहाँ पे रहने वाली है, मैं आपको चेक भी कराऊंगा वीडियो में। और एल्यूमिनियम फिनिश के साथ में आपको इसके रियर फुटरेस्ट जो है यहाँ देखने को मिलते हैं, और साथ ही में जो फ्रंट वाले फुटरेस्ट है ये भी आपके जो है एडजस्टेबल है, ये कुछ इस टाइप से आपके फ्लेक्सीबल आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अच्छा, इस चीज के काफी लोगों को नहीं पता कि भाई ये जो फुटरेस्ट होते हैं फ्रंट के वो इसी टाइप से फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सीडेंट के दौरान अगर आपकी बाइक कभी गिर जाती है तो उस केस में आपके जो फुटरेस्ट है वो टूटे ना, इसलिए कंपनी जो है इसको इस टाइप से बनाती है ताकि इनकेस अगर आपकी बाइक गिर भी जाए तो भी आपका फुटरेस्ट वगैरह ना टूटे, आप बाइक को जो है इजिली चला के ला पाओ, ठीक है। और ये आप मेरे सामने लेटेस्ट मॉडल देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको E20 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इस बाइक के अंदर आपको टोटल 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको राइड कनेक्ट एडिशन की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। ये फ्यूल टैंक से रिलेटेड कुछ वार्निंग्स आप यहाँ चेक कर सकते हो। और इस बाइक के अंदर आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। सीट के कम्फर्ट की बात करूँ तो कम्फर्टेबल सीट आपको देखने को मिलेगी। पिलियन की भी आपको जो है ठीक ठाक कुछ नहीं सीट जो है यहाँ देखने को मिलेगी। पीछे से आपको जो है यहाँ पे स्प्लिट ग्रैब रेल देखने को मिलते हैं बाइक में। और जो इसका टेल सेक्शन है इसके अंदर आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। इंडिकेटर आपके सेम हैलोजन है, लेकिन जो इसके रेयर के इंडिकेटर है ये आप देख सकते हो ये फ्लेक्सीबल नहीं है, ये आपके फिक्स जो है यहाँ पे रहने वाले हैं। और टायर प्रेशर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप भी बाइक के जो है स्विंग आर्म पे जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है टायर हगर भी देखने को मिलता है। और ये आपका हो गया भाई आपका लेडीज का फुटरेस्ट कह लो या आपका जो जाड़ हो गया, मतलब कोई लेडीज वगैरह पीछे बैठे और उसका जो भाई पल्ला वगैरह जो इसके अंदर ना फंसे, तो उस केस के लिए यहाँ पे जो है भाई आपको एक तरह से सेफ्टी शील्ड भी देखने को मिल जाती है। बाइक की गियर बॉक्स की बात करूँ, 5-speed का मैनुअल गियर बॉक्स आता है। मेन स्टैंड सेंटर स्टैंड देखने को मिल जाएगा। सिंगल स्टैंड के अंदर जो है आपको यहाँ पे इंजन कट ऑफ सेंसर वगैरह जो है आपको देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस बाइक के हैंडल की, तो इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलता है, जो कि आपको एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाली जो है यहाँ पे लुक देता है, यहाँ पे आपको फील आती है। और जो इसके कंट्रोल्स है वो आप ऐसे चेक कर सकते हो, पास लाइट हो गया, हाई बीम लो बीम, इधर आपको इंडिकेटर के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, आपका हॉर्न का स्विच हो गया, इस तरफ आपको इंजन किल स्विच और यहाँ पे सेल्फ का स्विच देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले इसके अंदर आपको वही देखने को मिलती है भाई, मैं एक बार इसको डिस्प्ले को अनरैप कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छे से यहाँ देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो है भाई डिजिटल डिस्प्ले जो है यहाँ देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स जो है देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे भाई गियर पोजिशन इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, डिजिटल स्पीड देख सकते हो, ऑडोमीटर, RPM मीटर, टाइम हो गया, ऊपर आपको जो है फ्यूल का लेवल देखने को मिल जाएगा, इधर आपको एक आई बटन देखने को मिल जाएगा, और डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए आपको दो टॉगल स्विच भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप देख पाओगे यहाँ पे आपको पेयरिंग मोड जो है आपका ब्लूटूथ पेयरिंग मोड यहाँ से जो आपका ऑन हो चुका है। और यहाँ पे आपको देन मैं इसको अगेन प्रेस करूँगा तो आप यहाँ देख पाओगे आपका भाई ट्रिप मीटर आपका यहाँ पे आ गया ट्रिप ए, और ये आपका भाई ट्रिप ए के बाद आपको भाई ट्रिप ए की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिलेगी। सेम ऐसे ट्रिप बी है और उसके बाद ट्रिप बी की फ्यूल इकोनॉमी, और यहाँ पे आपको जो है रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगी, बाइक जो है रियल टाइम क्या दे रही है, बैटरी वोल्टेज आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। देन अगेन आपको यहाँ पे जो है ओडोमीटर आपको देखने को मिल जाता है,
और जो कुछ फीचर्स हैं जो इसकी कनेक्टिविटी वाले, जैसे कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह, उनको आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब आपकी बाइक जो है आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होएगी, तभी आप उन फीचर्स को जो है यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। और इंजन के बारे में आपको बता दूं भाई, इंजन इसके अंदर 155 सीसी का है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड, जो पावर बनाता है आपकी यहाँ पे 11 BHP की, और जो इसका मैक्स टॉर्क है वो यहाँ पे 13 Nm का जो आपका देखने को मिल जाता है भाई, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस बाइक के ऑफर्स वगैरह की, जिसके लिए आप ऑफिशियली भाई यहाँ पे रुके हुए हो, तो मैं बता दूँ इस बाइक पे भाई आपका एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। एक्सचेंज ऑफर के अंदर जो है, अगर आप कोई भी व्हीकल से इस बाइक को एक्सचेंज करते हो या सुजुकी किसी भी प्रोडक्ट को आप एक्सचेंज ऑफर में लेते हो, तो उसमें आपको 10,000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और इन केस अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए कुछ नहीं भी है, आप डायरेक्ट ही बाइक को या स्कूटर को परचेज करोगे, तो उस केस में आपको जो है यहाँ पे 6,000 रुपये तक का जो है यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी भाई का को बाइक EMI पे लेनी है, उसका जो है भाई फुल पेमेंट का बजट नहीं है, तो उनके लिए भी जो है भाई यहाँ पे एक बढ़िया स्कीम है कि आपको जो है, जो ये बाइक है इसकी जो है जितनी इसकी जो है भाई आपको 10% का जो आपको यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी है बाइक की, और जो है बाइक आप अपने घर ले जा सकते हो। बाकी दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है भाई शोरूम को कॉन्टैक्ट कर लेना, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको जो है स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको शोरूम की गूगल लोकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप शोरूम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और वीडियो के रेफरेंस से अगर आओगे तो आपको यहाँ पे भाई स्पेशल डिस्काउंट देखने को मिलेगा अगर आप मेरी इस वीडियो के थ्रू आते हो तो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।